नमस्ते। यहां मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ। ये यमुना जी हैं, कहती है, मैडम सार्जनिया, आपकी वीडियोस बहुत वेल रिसर्च्ड होती है। थैंक यू। आप हमेशा सबूत और पुस्तक के साथ कहानी सुनाती है। थैंक यू। आपका अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या अभिप्राय है? यमुना जी, किसी के बारे में भी अभिप्राय रखने वाली मैं होती कौन हूं, लेकिन फिर भी यमुना जी, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है इस पुस्तक से, रॉयल्टीज स्ट्रेंजेस्ट कैरेक्टर्स। इसमें कई सारी महाराजा महारानियों की कहानियाँ हैं जो कि नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। ये है रशिया के राजा राजा पॉल रोमनोव की कहानी, राजा जार पॉल रोमनोव की कहानी। राजा जार पॉल रोमनोव के पिता थे राजा जार पीटर रोमनोव। पीटर रोमनोव की शादी हुई थी जर्मनी की एक राजकुमारी कैथरीन से। तो रशिया के राजा पीटर रोमनोव और जर्मनी की राजकुमारी कैथरीन की शादी हो गई। शादी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल पूरे हुए, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। राजा की मां जानती थी कि कमी राजकुमारी में नहीं है, कमी पीटर में है। तो 7 साल प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने बहू कैथरीन को बुलाया और कहा कि बहू, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा रशियन साम्राज्य है फैला हुआ, उत्तराधिकारी तो चाहिए ही चाहिए। तुम किसी को भी चुन लो, क्योंकि साम्राज्य राजकुमार के बिना नहीं हो सकता। सास को लगा था कि बहू राजा के कोई कजन ब्रदर या काका या मामा को चुनेगी, लेकिन बहू कैथरीन ने चुना एक आर्मी ऑफिसर को, मेजर सर्जाय साल्टिकोव। मेजर सर्जाय साल्टिकोव जो थे वो रशिया के आर्मी ऑफिसर थे और क्वीन कैथरीन के गार्ड में थे। तो क्वीन कैथरीन की गार्ड से मेन इन यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म पहनने वाले मेजर की बात ही कुछ और होती है। तो उसने चुना मेजर सर्जाय साल्टिकोव को और थोड़े ही महीनों बाद बेटा हो भी गया। तो बेटे को यूं बालकनी में पकड़ के पूरी रशियन साम्राज्य को दिखाया, भविष्य के राजा का जन्म हो चुका है, आपको आगे का महाराजा मिल गया है करके ढिंडोरा पीट के अनाउंस किया। सारे चर्च में मिठाइयां बांटी, सारी पाठशाला में मिठाइयां बांटी, गरीबों में दान दिया, सब हो गया, पूरा सा रशियन साम्राज्य खुश था। महल राजमहल है, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे दीवारों के तो कान, नाक, आंख, टांग सब होती हैं। तो राजमहल है, महल के अंदर कुछ गिने चुने लोगों को, कुछ 8-10 लोगों को सच्चाई पता था, लेकिन महल के बाहर किसी को कुछ नहीं पता चला। सबको लगा कि 7 साल बाद ही सही भगवान ने राजा के घर बेटा भेज दिया है। इसके थोड़े दिनों बाद राजा पीटर राजा बनी और बहू कैथरीन रानी बन गई। राजा पीटर और रानी कैथरीन राज करने लगे। फिर पीटर मर गए और कैथरीन ने पूरी गद्दी संभाल ली। कैथरीन ही क्वीन कैथरीन बनकर सिंहासन पर बैठ गई। क्वीन कैथरीन का बेटा पॉल रोमनोव अपनी माँ से सख्त नफरत करता था। वो अपनी माँ की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, वो गद्दी पे बैठना चाहता था और माँ कैथरीन थी कि मर ही नहीं रही थी। कहते हैं पॉल रोमनोव हर दिन सुबह उठ के पूछती, माँ मर गई, आज से मैं राजा हूँ, माँ मर गई, मैं जाके सिंहासन पे बैठूं, लेकिन माँ थी कि मर ही नहीं रही थी। और दूसरी और अहम बात, पॉल राजा पॉल को मालूम था कि उसके डैडी कौन है और उसके फादर कौन है। उसे अच्छे से मालूम था कि रक्तगत
वो पीटर का बेटा नहीं है। इसीलिए वो एक अजीब से इसमें रहता था, राजमहल थे, यूं ही घूम रहा होता तो दरबान खड़े होते ऐसे, उसको देखकर सर झुकाते, तो इसको लगता इन्हें सच्चाई मालूम है, इन्हें सच्चाई मालूम है। देखा देखा, मुझे देखते ही उन्होंने आंखें नीचे कर ली, क्योंकि इन्हें सच्चाई मालूम है। तो वो चीखता, मुझे देख के आंखें क्यों नीचे कर रहे हो? तो अगली बार जब राजा गुजरता तो दरबान बेचारे डर के मारे बिना आंख झुकाए सीढ़े खड़े रहते। तो राजा पॉल कहता, देखा देखा इन्हें सच्चाई मालूम है, इन्हें सच्चाई मालूम है, ये मुझे घूर के देख रहे हैं। तो चिल्लाता कि मुझे घूर क्यों रहे हो, मुझे देख के आंखें नीचा क्यों नहीं कर रहे हो? देखो तो मुसीबत, आंख नीचा करो तो मुसीबत। उसके मन में ये बैठ गया था कि मेरी सच्चाई सबको मालूम है। एनीवे, इसीलिए वो अपनी माँ से सख्त नफरत करता था। जैसा कि वो चाहता था, उसकी माँ 44 साल शासन करने के बाद उसकी माँ क्वीन कैथरीन मर गई और आखिरकार पॉल रशिया के राजा बनी, जार पॉल रोमनोव। जार पॉल रोमनोव राजा बनी तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्हें उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि सब लोग मेरी सच्चाई जानते हैं, मैं पीटर का बेटा हूँ, ये झूठ है। तो उन्होंने सबसे पहले राजा बनते ही उन्होंने अपने पिता पीटर रोमनोव की कब्र खुदवाई। कब्र खुदवा के उन्होंने अपने पिता मरे हुए राजा पीटर रोमनोव की लाश निकाली। वो लाश लेके आके उन्होंने रशिया के राजमहल के अंदर सिंहासन पे बिठाया, उस लाश को मुकुट पहनाया, उस लाश को हीरों की अंगूठी पहनाई, उस लाश पर सब राजसी कपड़े पहनाए, उस सड़ती बदबूदार लाश को सिंहासन पे बिठा के उसकी मतलब ताजपोशी की। और फिर उसने पूरे रशिया से कहा कि आके मेरी पिता का दर्शन करो। और हर कोई जो भी होता ये वहाँ खड़े होके कहता, ये है मेरे पिता, ये है मेरे पिता, ये पीटर रोमनोव है, ये है मेरे पिता, ये है मेरे पिता, नो सलाम करो मेरे पिता को, झुको मेरे पिता के सामने, चूमो मेरे पिता के हाथ को, ये है मेरे पिता, ये है मेरे पिता, ये है मेरे पिता। हर समय हर किसी के सामने ये है मेरे पिता, ये है मेरे पिता करता फिरता था। लोग पूछने लगे कि ये क्या है, अब हम लोग तो ऐसा बिहेव नहीं करते। सब लोग पूछने लगे कि ये क्या है, ये क्या है, रोज 10-10 लोगों को बुलाकर, रोज 100-100 लोगों को बुलाकर, ये है मेरे पिता, ये है मेरे पिता, क्यों करता है ये आदमी? फिर धीरे धीरे भूल गई, दबी हुई कहीं किसी मिट्टी में गुम हो गई कहानियां वापस से शुरू हुई। लोगों ने बातें करनी शुरू की, वो ना मेरी नानी महल में काम करती थी, सुना है ये सर्जय साल्टिकोव का बेटा है बायोलॉजिकली करके। आज हमें सच्चाई क्यों मालूम है? आज हमें सच्चाई इसलिए मालूम है कि ये सच छुपाने की कोशिश कर रहा था और हर दिन 100 लोगों के सामने 100 बार झूठ को चिल्लाता 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 रहता था। तो जब भी यमुना जी, जब भी मैं किसी को भी देखती हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ए सुनो सुनो मैं ईमानदार हूँ, तुम भी सुनो मैं ईमानदार हूँ, सारे प्रेस सुन लो मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, जब भी कोई बार बार सब लोगों को इकट्ठा करके सबके सामने मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ करता रहता है, तो मुझे हमेशा रशिया के राजा राजा जार पॉल रोमनोव की कहानी याद आती है। पीटर रोमनोव सच में पॉल रोमनोव के पिता होते तो वो ऐसा कभी नहीं करता, है ना? थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, नमस्ते।